नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर RS राजपूत आप सभी के मध्य कृषि तकनीकी ज्ञान चर्चा के नए अंक को लेकर उपस्थित हूँ। आज हम धान की फसल में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में बात करेंगे। कीट को किस प्रकार पहचाने और उनके प्रबंधन में किस प्रकार से रसायनों का इस्तेमाल करें, उनकी जानकारी दी जाएगी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए। आइए जाने धान फसल के मुख्य कीट। इसमें प्रमुख रूप से तना छेदक या स्टेम बोरर, इसके बाद पत्ती लपेटक या लीफ होल्डर आते हैं। फसल में इनके द्वारा हानि अलग अलग प्रतिशत में होती है। आइए जाने कीट को कैसे पहचाने। तना छेदक की पहचान निचले पंखों में दो काले बिंदुओं से होती है। आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि यह पतंगा अपने निचले पंखों में दो काले बिंदुओं को दिखाई देता है। आइए जानें अब फसल नुकसान के लक्षण। तना छेदक की लार्वी शुरुआती अवस्था में कल्लों को सुखा देती है और अंतिम अवस्था के दौरान यह मुख्य तने को काट देती है, जिससे बालियां सूख जाती है। यह डेड हार्ट स्टेज कहलाती है। अब बात की जाए पत्ती लपेटक या लीफ फोल्डर की, तो यह लार्वी अपनी लार के द्वारा पत्ती को मोड़कर बांध देती है और अंदर के भाग में उपस्थित हरी ऊतक को धीरे धीरे खाते जाती है, जिसके कारण पौधे का प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया प्रभावित होती है और पौधे की उपज एवं वृद्धि विपरीत प्रभाव पड़ता है। आइए जानें प्रबंधन रोकथाम के उपाय। तना छेदक स्टेम बोरर के रोकथाम के लिए प्रथम हम वर्टिको नामक इंसेक्टिसाइड, जिसमें थियोमेथॉक्सेम 1% क्लोरेनिट्रोपोल 0.5% होता है, इसकी 2.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा तत्व फटेरा, जिसमें क्लोरेनिट्रिनिपोल 0.5 GR होता है, इसकी 4 किलोग्राम प्रति एकड़ मात्रा इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा कॉल्डान, जो धानुका का प्रोडक्ट है, इसमें कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 50 SP होता है, जिसकी 400 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल लाभकारी होती है। स्टेम बोरर में हम जैविक रूप से नियंत्रण के लिए ट्राइकोकामा कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं पत्ती लपेटक के नियंत्रण के लिए। इसके लिए क्लोरोपाइरीफॉस 50 साइपरमेथ्रिन 5 EC का 300 से 400 ml प्रति एकड़ की इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हम अलीका, जो सिंजेंटा का प्रोडक्ट है, जिसमें थियोमेथॉक्सेम और लेमडा साइथलेथ्रिन है, इसकी 80 ml मात्रा प्रति एकड़ दर से इस्तेमाल की जाती है। किसान भाइयों, दवा के साथ किसी भी सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर का उपयोग दवा के प्रभावी अवशोषण एवं फैलाव में मदद करता है, जिससे कीट नियंत्रण का अच्छा परिणाम मिलता है। आशा करता हूँ धान कीट प्रबंधन के लिए दी गई यह जानकारी किसान भाइयों के लिए उपयोगी और लाभकारी सिद्ध होगी। इसी प्रकार की कृषि जुड़ी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले कृषि अंक में नए चर्चा विषय के साथ। तब तक के लिए सभी किसानों को मेरा राम राम, जय हिंद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।